तो फ्रेंड्स, ये कोरोना वाली बात मैं क्यों छिपा के रखी, क्या रीज़न था, क्या मजबूरी था कि मैं छुपाई हूँ, चलिए आप लोग को बताती हूँ। मेरे साथ तो देवों के देव महादेव हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी और किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी, ना फैमिली ना वाइटी फ्रेंड। तो वीडियो तो मैं बना रही थी, डाल भी रही थी, उसमें छोटे छोटे क्लिप भी मैं डाल रही थी कि मतलब जो भी था वो थोड़ा बहुत तो मैं शेयर कर रही थी, पर डिटेल में शेयर नहीं की थी और डिटेल में मैं शेयर करना भी नहीं चाहती हूँ। बस जो अभी माहौल चल रहा है ना कोरोना का, इस वजह से मैं सोची शेयर कर दूँ कि मैं कैसे सारा ख्याल रखी और कैसे इससे हम निकले हैं। तो मैं सोची चलो ये बताना ज़रूरी है, पर मैं बोलते ना लाइफ में बहुत चीज़ ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, और कितनी प्रॉब्लम है, कितनी बीमारियां हैं, तो वो सब क्या दिखाना वाइटी में। जब ज़रूरत होगा तो वैसे मैं बताती जाऊंगी, पर ऐसे मुझे कुछ बीमारी का नाम लेकर के मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और रियल में भी बहुत तकलीफ़ होती है, फिर भी जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो अच्छी अच्छी बातें करें, ना कि अपना दुख लेकर के बैठ जाए और दूसरों को दुखी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, नहीं बताई थी उसका रीज़न मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली बताने से क्या होता ना कि सब लोगों का जो है ना माइंड में 2 साल से बोलते हैं ना एक डर सा बैठ गया है। तो वो जो हम हैं तो हम देख रहे हैं कैसे हैं क्या है, जो नहीं देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ख़ास तौर से तो मेरी मम्मी को पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती, इसलिए मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं डाली कि मेरी मम्मी तक पहुँचे, क्योंकि मेरी मम्मी भी वीडियो देखती है, इसलिए मैं शेयर नहीं की। और शेयर भी उन्हीं से की जो लोग को मतलब जो हमारे अड़ोस पड़ोस में थे, जो फैमिली फ्रेंड है उनको शेयर की, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे वो तुरंत हमारे लिए खड़े हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ होता है ना, तब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से उसको हम आराम से संभाल सकते हैं। और क्योंकि क्या होता है ना, जितने जगह पता चलता है तो वो क्या होता है, फिर वो फ़ोन आ करके माइंड डिस्टर्ब होता है, हो सकता है किसी के मुँह से कुछ निकले, किसी के मुँह से कुछ निकले। तो इस वजह से मैं नहीं बताई थी, मैं पूरा फोकस मैं अपने हस्बैंड के ऊपर देना चाहती थी, बाइटी में भी नहीं, क्योंकि वीडियो लोग देखेंगे नहीं, कमेंट्स करके पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, बता कुछ रही हूँ लिखेंगे कुछ, इस वजह से वो भी नहीं बताई। पर चलिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, शायद मैं कुछ भूल भी गई हूँ, या क्योंकि बोलते हैं ना कुछ दिन हो जाता है तो थोड़े थोड़े भूल भी जाते हैं, जब दुख का टाइम आता है ना तो उस टाइम हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, और मुझे बिल्कुल दिखाना पसंद नहीं है। और जब सुख की घड़ी आती है तो पुरानी चीज़ें भूलने लगते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं पूरा दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी पूरा दिखाने का कि खाना पीना कैसे मैं सेफ्टी रखी और कैसे मेडिकल क्या क्या वो सब दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो क्लिप को देखते हैं, क्योंकि वो तो मैं सारा चीज़ साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ ना, वो सब फ़ोटो और वीडियो लेके रखी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, कोविड हो तो घबराए नहीं सबसे पहले, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ का भी आप केयर करें और ध्यान रखें, चेक करते रहें कि वो बढ़े नहीं, जैसे शुगर बीपी कोई भी प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर, ये दो चीज़ से हमेशा चेक करते रहें कि फीवर आया तो नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा है। और ये शुगर किट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर का भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो भी चेक कर रही थी। और ये कोरोनिल भी मंगवाई थी रामदेव बाबा का, और ये है हेमोपैथ दवा, जो आप देख सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के लिए स्पेशल मेरे लिए आया था, क्योंकि मैं साथ में सब केयर कर रही थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए। और ये ऑक्सीमीटर मैं आपको दिखा रही हूँ, लोगों के साथ मैं सारा शेयर करती हूँ कि मैं काढ़ा, मतलब बोलते हैं ना कि क्या क्या मैं खाने पीने का ख्याल रखी हूँ, तो वो भी मैं आप लोग को वीडियो क्लिप के जरिए मैं आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि मैं जो भी थोड़ा सा अब 10-12 दिन का वीडियो है, तो कोई वीडियो क्लिप होगा मेरे पास, कोई फोटो है, तो वो सब शेयर करके जितना है वो मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं ना देखने के लिए। और सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत होती थी गर्म पानी से, तो गर्म पानी तो हर किसी के लिए अच्छा है, गर्म पानी के बाद ये काढ़ा मैं बनाती थी, तो ये 3-4 5 दिन तक काढ़ा चला। काढ़ा के बाद दूध, हल्दी वाला दूध, ये हल्दी दूध घी वाला दूध है, ये सब मैं बाद में शेयर करूँगी। और सूप बनाती थी और ग्रीन टी था। तो फ्रेंड्स, ये सब मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये हर चीज़ गर्म देने से क्या होता है ना, गले में आराम मिलता है। और सबसे शुरुआती दौर में मेरे हस्बैंड को फ्रूट मना है खाना, तो इस वजह से मैं ड्राई फ्रूट्स और ये सब दे रही हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर की। और ये ड्राई फ्रूट्स की लड्डू बनाई थी, क्योंकि पहले दिन मैं कुछ दिन तक ड्राई फ्रूट्स दी, उसके बाद लड्डू खिलाई, उसके बाद ये देखिए बीट रूट और आंवला और गाजर, ये कंटिन्यू दे रही थी, तो इसको क्या था, हल्का स्टीम करके काला नमक के साथ दे रही थी। तो ये भी देखिए गाजर भी स्टीम कर दी। तो
तो बहुत मुश्किल से और मुझे बहुत नाप तोल के खिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड को बहुत मतलब केयर की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दो वो हर चीज़ सूट नहीं करता। और ये सब के बाद छत पे अपना जाते थे, धूप में बैठते थे, तो वही थोड़ा सा वीडियो क्लिप छत का भी है, धूप भी बहुत ज़रूरी है। और जो लोग फ्रूट खा सकते हैं वो खा सकते हैं, मगर ये तो क्या है, अपने अपने बॉडी किस किन का किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये सारे फ्रूट मैं अभी दे रही हूँ, तो वही मैं फ्रूट को भी गर्म पानी में यानी गुनगुना पानी में धो करके कट करके उस पे नमक डाल करके दे रही हूँ। नमक डालने से नुकसान नहीं करता है जैसा मुझे पता है। और जितना हो सके तो ग्रीन वेजिटेबल मतलब कोई भी सब्जी खिलाएं, सब कुछ खिला सकते हैं, सिर्फ तेल मसाला और मिर्च कम होना चाहिए। तो मैं सब कुछ दे रही थी, खाने पीने में कोई कमी नहीं था, सब कुछ दे रही थी, पर सब कुछ फ्रेंड्स देखते हुए। क्लीनिंग का मैं कैसे ध्यान रखी, चलिए वो वीडियो क्लिप आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो क्लिप तो पुराना है, पर मैं धीरे धीरे सब कोशिश करूँगी सारा चीज़ बताने का कि मैं क्या की। तो चलिए वीडियो क्लिप देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाइट प्लान और क्या क्या मैं की वो तो मैं शेयर की, सारा कुछ तो नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो सारा नहीं था मेरे पास, मगर इतना से पता चल गया होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है सफाई की, तो मैं लगभग मतलब लगभग नहीं डेली मतलब 1 वीक तक तो मैं डेली बेडशीट वगैरह सब निकाल रही थी, और उसके बाद सैनिटाइज कर रही थी और ब्लैंकेट वगैरह भी धो रही थी। तो जिसके कारण से क्या है कि मुझे मतलब बोलते हैं ना, बता रही थी और वीडियो लोग देख रहे होंगे तो उसे पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ी थक रही हूँ यानी थकान हो रही है, क्योंकि काम इसलिए ज़्यादा था जो मैं पहले आप लोगों को नहीं बताई। तो सारी बेडशीट वगैरह निकालने के बाद फिर पूरे रूम को मैं सैनिटाइज कर रही हूँ। तो मैं पहले मतलब डेली करती थी, फिर जब 1 वीक हो गया तो फिर मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ करके करने लगी। और यहाँ पे जितने जहाँ तक मतलब बोलते हैं ना यूज हो रहा था नीचे, तो उस हिसाब से पूरे घर को सैनिटाइज कर रही थी, ये मेरा डेली का काम था। उसके बाद सैनिटाइज करने के बाद फ्रेंड्स मशीन में कपड़े डाल देती थी। तो कपड़े डालने के बाद क्या होता था ना कि डिटॉल डाल करके आप जरूर धोएं कपड़े को, तो मैं वही डिटॉल डाल रही थी और सर्फ डाल करके कपड़े धो रही थी। मतलब ये डेली का रूटीन था, छत पे ले जाना, सुखाना, धूप लगाना। और ब्लैंकेट अगर डेली ना धो पाए तो धूप में जरूर रखें। और यहाँ पे मैं ऊपर रूम में आ गई तो एक रूम दिखा रही थी कि मेरी बेटी का है, तो वो तो ऊपर रूम बंद रहता था, और इस रूम में जितने भी कपड़े धोती थी ना तो वही ला ला के फैला देती थी। तो ये पड़े हुए हैं तो मैं बाद में फोल्ड कर लूंगी, मैं बस आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हो गई है सफाई क्लीनिंग। और फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो क्लिप जितना हो सके मैं शेयर की, और सैनिटाइज करना जरूरी है, तो ध्यान रखें मतलब केयरफुल रहें। अगर कुछ भी होता है ना तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे सीजन है सीजन है, ऐसा सोच करके नहीं। कुछ भी होगा तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट हम निकलवा लेंगे, रिपोर्ट निकालने से संतुष्टि हो जाती है। और यहाँ पे रिपोर्ट निकलवाने गए हैं तो रिपोर्ट निकाल चुके हैं, निगेटिव रिपोर्ट आया है। यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं दवा लेने के लिए, और उसके बाद जा रही हूँ स्पेशली मंदिर, क्योंकि थैंक यू बोलने के लिए भगवान जी को। और यहाँ का वीडियो क्लिप हमेशा शेयर करती हूँ कि दवा लेने जाती हूँ। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या है, जितना भी डाइट प्लान मैं आप लोग को दिखाई, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या है, बहुत ज़्यादा है वो मैं बता नहीं सकती। तो जिसके कारण से क्या है कि उसी हिसाब से मुझे मेंटेन रखना पड़ता है, ठंडा गर्म इसी हिसाब से। तो मैं मंदिर आ गई हूँ तो आप लोग भी आ जाइए दर्शन करने के लिए। बोलते हैं ना कि अगर इनकी मर्जी हो ना तभी कुछ हो सकते, इनकी मर्जी ना हो तो पत्ते भी नहीं हिल सकते, तो इसलिए मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम अभी बिल्कुल खाली खाली है ना, पर अच्छा लग रहा है। हाँ ड्यूटी का दिन है और अभी 4 ही बजा है ना, इसलिए खाली खाली है, पूरा ही खाली है मंदिर, सिर्फ हम दोनों हैं और पुजारी जी हैं और जो मंदिर में सेवा पानी करते हैं वही लोग हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले दूरी बना लें, और मैं ये जब मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तब मैं निकली हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को एंड करती हूँ, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो ये था हमारा 12 दिन का सफ़र जो मैं आप लोगों को नहीं बताई थी, रीज़न वही था कि मुझे बिल्कुल फोकस करना था अपने हस्बैंड के ऊपर, ना कि मैं वाइटी ना घर ना फ़ोन पे, इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले तो अपने आप को क्वारंटाइन करें, डॉक्टर से संपर्क करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप दिखाएं नहीं, रिपोर्ट नहीं करवाएं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल केयरफुल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बढ़ेगा नहीं मतलब बढ़ेगी नहीं ये प्रॉब्लम। और दूसरा क्या है, डबल वैक्सीनेशन है तो मतलब प्रॉब्लम कम होती है, इसलिए अगर जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो वो जा करके वैक्सीन तुरंत लगवा लें। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।